हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जून 2019 के करंट अफेयर के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जून के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, जो भी आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर बिना समय गवाए। हाल ही में किसे नीमच का कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है अजय गंगवार। हाल ही में अजय गंगवार को नीमच जिले का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, उनके बारे में भी बता दें तो सुदामा पी खाड़े को इन्हें हाल ही में अपर सचिव बनाया गया है मंत्रालय में। अभय कुमार वर्मा, दोस्तों इन्हें हाल ही में कलेक्टर बनाया गया है आगर मालवा जिले का। बात करें दीपक सिंह की तो इन्हें उप सचिव बनाया गया है मंत्रालय में। तो आपको इन चारों के बारे में याद रखना है। अजय गंगवार को नीमच का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों, अब बात आई है नीमच की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नीमच जिले के बारे में बता दें। आंखों की दान की राजधानी के नाम से नीमच जिले को जाना जाता है। दोस्तों, 30 जून 1998 यानी 1998 में इसे उज्जैन से अलग करके संभाग बनाया गया था। दोस्तों, अफीम का उत्पादन सर्वाधिक यहीं पर किया जाता है। शाहबुद्दीन औलिया उर्स भी यहीं पर लगाया जाता है। अटाना में नंदन प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय टेस्ट और T20 मैच की मेजबानी मिली है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारे होलकर स्टेडियम को। हाल ही में इंदौर के होलकर स्टेडियम को अंतरराष्ट्रीय T20 और अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। दोस्तों, इंदौर में हाल ही में एक बार फिर T20 और टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इस बार बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें इंदौर आएंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच 14 से 18 नवंबर तक टेस्ट मैच होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 7 जनवरी 2020 में भारत और जिम्बाब्वे की टीम के बीच T20 मैच खेला जाएगा इसी होलकर स्टेडियम में। और आपको पता है होलकर स्टेडियम इंदौर में मौजूद है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर के किस बैच का दीक्षांत समारोह मनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 90वां दीक्षांत समारोह। हाल ही में 90वें बैच का दीक्षांत समारोह है जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी सागर में मनाया गया है। दोस्तों, आपको पता होगा सागर में पुलिस एकेडमी स्थित है जो जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड के कितने तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 1000 तालाबों को। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के 1000 तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा। दोस्तों, बुंदेलखंड अंचल में 10वीं और 12वीं शताब्दी तक निर्मित लगभग 1000 तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए विश्व बैंक के साथ सहयोग किया गया है। दोस्तों, पेयजल की समस्या दूर करने के लिए इन तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला गांव किस जिले में स्थित है जहां सौर ऊर्जा से खाना बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बैतूल। बैतूल जिले का बाचा गांव है जो सौर ऊर्जा से खाना बनाया जाता है पूरे गांव में। दोस्तों, हाल ही में आईआईटी मुंबई के द्वारा यह दावा किया गया है कि बैतूल के बाचा गांव में कोई भी व्यक्ति है जो वह एलपीजी गैस या चूल्हे का उपयोग नहीं किया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ सौर ऊर्जा से इस गांव में खाना बनता है। तो आपको याद रखना है बैतूल जिले का बाचा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार अनाथों और बुजुर्गों के लिए कितने शहरों में कंपोजिट भवन बनाएगी? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर। यानी इन चारों शहरों में मध्य प्रदेश सरकार अनाथों और बुजुर्गों के लिए कंपोजिट भवन बनाएगी। दोस्तों, प्रदेश में अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक ही छत के नीचे सहारा दिया जाएगा। सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग इसके लिए भोपाल, जबलपुर,
ग्वालियर और इंदौर में चार कंपोजिट भवन बनाने जा रही है। इनके लिए जमीनें तय कर ली गई हैं। अब कंसल्टेंट के माध्यम से डिजाइन तैयार किया जाएगा और इन्हें बनाया जाएगा बुजुर्गों और बेसहारा अनाथों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंदिर को शुद्धता का टैग भोग के लिए दिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है हमारे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को शुद्धता का टैग भोग के लिए दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार की भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानव प्राधिकरण यानी FSSAI ने मंदिर समिति द्वारा बनाए जाने वाले प्रसाद को यह सर्टिफिकेट जारी किया है। दोस्तों, FSSAI ने धार्मिक स्थलों पर मिलने वाले प्रसाद व भोजन सामग्री की गुणवत्ता का मानक तय करने के लिए यह भोग टैग देना शुरू किया है। मध्य प्रदेश में यह पहला मंदिर है जिसे यह टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पंचायत राज आयुक्त तो बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है संदीप यादव। हाल ही में संदीप यादव को पंचायत राज आयुक्त तो बनाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में उर्मिला शुक्ला को, यहाँ पर शुक्ला है दोस्तों, हाल ही में उर्मिला शुक्ला को इस पद से निष्कासित किया गया है और इनकी जगह संदीप यादव को नया पंचायत राज आयुक्त तो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बुरहानपुर का कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है राजेश कुमार कौल। हाल ही में राजेश कुमार कौल को बुरहानपुर का नया कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों, अब बात आई है बुरहानपुर जिले की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बुरहानपुर जिले के बारे में बता दें। 15 अगस्त 2003 को खंडवा जिले से अलग करके बुरहानपुर अलग जिला बनाया गया था। दोस्तों, इंदौर संभाग का एक जिला है बुरहानपुर। असीरगढ़ किले को दक्कन की चाबी कहा जाता है। दोस्तों, शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर जिले में ही हुई थी। जिले के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में आपको बता दें तो राजा की छत्री इच्छा देवी का मंदिर, खूनी भंडारा, शाही इमाम, सिख गुरुद्वारा जो गुरु नानक देव से संबंधित है, और नेपा नगर देश का सबसे बड़ा नेशनल न्यूज प्रिंट कारखाना, ये बुरहानपुर जिले में ही स्थित हैं। तो दोस्तों, इतना आपको बुरहानपुर के बारे में याद रखना है। और यहाँ के नए कलेक्टर बने हैं राजेश कुमार कौल। हाल ही में किसे सागर संभाग का कमिश्नर बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है आनंद कुमार शर्मा। हाल ही में आनंद कुमार शर्मा को सागर संभाग का नया कमिश्नर बनाया गया है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, उनके बारे में बता दें तो अशोक शाह को इन्हें PS बनाया गया है श्रम मंत्रालय में। शोभित जैन को हाल ही में सचिव बनाया गया है HRC में। और JK जैन को इन्हें हाल ही में सदस्य बनाया गया है राजस्व मंडल में। दोस्तों, अब बात आई है सागर की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सागर के बारे में बता दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें सागर संभाग में कितने जिले हैं? तो सागर संभाग में 6 जिले हैं, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह और निमाड़ी और पन्ना, ये सभी सागर संभाग के जिले हैं। दोस्तों, अब बता दें आपको सागर के कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय जिसे हम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी सागर जिले में। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो मध्य प्रदेश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, यह सागर जिले में ही स्थित है। दोस्तों, पुरातात्विक स्थल एरण भी सागर जिले में ही स्थित है। यहाँ पर सती के प्रथम लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सागर में ही राहतगढ़ किला, बीना नदी और आपचंद की गुफाएं मौजूद हैं। गढ़पहरा जिसे हम प्राचीन सागर के नाम से जानते हैं, यह दांगी साम्राज्य की राजधानी था। सागर जिले में पद्माकर समारोह स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स है। तो दोस्तों, इतना आपको सागर के बारे में याद रखना है। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का हेड बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है राजेश जैन। हाल ही में राजेश जैन को मध्य प्रदेश
पाठ्य पुस्तक निगम का हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी का प्रबंध संचालक बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है बी किरण गोपाल। हाल ही में पी किरण गोपाल को मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी का प्रबंध संचालक बनाया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में भी बता दें तो नंद कुमारम को हाल ही में एमडी बनाया गया है एसईडीसी में। संजय कुमार दोस्तों इन्हें हाल ही में उप सचिव बनाया गया है मध्य प्रदेश शासन में। और नीरज कुमार दोस्तों इन्हें हाल ही में उप सचिव बनाया गया है वित्त मंत्रालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस डैम के बीच 5 करोड़ की लागत से रिसोर्ट बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है कुटना डैम। कुटने डैम के बीच 5 करोड़ की लागत से एक रिसोर्ट बनाया जा रहा है। दोस्तों यह कुटना डैम खजुराहो में स्थित है। पर्यटन नगरी में देश विदेशी पर्यटकों को प्रभावित करने के लिए चंदीलकालीन मंदिरों के अलावा अन्य कोई ना कोई जतन किए जाते हैं। दोस्तों पर्यटकों को लुभाने के लिए अब कुटने डैम के बीच मध्य प्रदेश पर्यटन निगम एक रिसोर्ट बनाने जा रही है, जो रिसोर्ट कम रेस्टोरेंट ज्यादा होगा। दोस्तों करीब 5 करोड़ की लागत से इस रिसोर्ट को बनाया जा रहा है। इसमें ठहरने की उत्तम व्यवस्था, इसके साथ ही वाटर रिसोर्ट का आनंद भी पर्यटक उठा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 6 शहरों में। मध्य प्रदेश के 6 शहरों में मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों ये 6 शहर कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको बता दें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, गुना, ग्वालियर और छिंदवाड़ा, इन सभी में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है राजीव रंजन मीणा। हाल ही में राजीव रंजन मीणा को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे औद्योगिक नीति निवेश का उप सचिव बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है चंद्रमौली शुक्ला। हाल ही में चंद्रमौली शुक्ला को औद्योगिक नीति निवेश का उप सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वीरेंद्र खटीक। हाल ही में वीरेंद्र खटीक को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। दोस्तों आपको बता दीजिए मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित सांसद हैं और इन्हें प्रोटेम स्पीकर की भूमिका हाल ही में प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 35 वर्ष। हाल ही में मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की आयु सीमा बढ़ाकर 35 वर्ष की गई है। दोस्तों सरकारी नौकरियों में आयु की सीमा हाल ही में एमपी में बदली गई है। अब 35 वर्ष की उम्र तक नौकरियों की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बड़ा फैक्ट बता दें, ये मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई है। एक बार फिर आपको बता दें, जो मध्य प्रदेश के निवासी होंगे उनके लिए ये आयु सीमा नहीं बढ़ाई गई है। जो मध्य प्रदेश से बाहर के व्यक्ति हैं, जो पात्रता परीक्षा देते हैं मध्य प्रदेश में आकर, उनके लिए ये आयु सीमा बढ़ाई गई है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सरकार से भी क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कर रही है। मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो एज क्यों बढ़ाई गई है। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का सीईओ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है शमीम उद्दीन। हाल ही में शमीम उद्दीन को मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध संघ का सीईओ बनाया गया है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर कुछ और नाम दिख रहे होंगे, उनके बारे में बता दें मनोज खत्री। इन्हें हाल ही में
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रबंध संचालक बनाया गया है। उमेश कुमार, इन्हें नगरीय प्रशासन और आवास का हाल ही में संचालक बनाया गया है। और शैलवला मार्टिन, इन्हें हाल ही में महिला और बाल विकास का उप सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी मध्य प्रदेश कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है धनराजू एस। हाल ही में धनराजू एस को मध्य प्रदेश कौशल विकास का संचालक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राजनेता का निधन हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है शिव नारायण सह। हाल ही में शिव नारायण सह जो एक राजनेता थे मध्य प्रदेश में, इनका निधन हुआ है। दोस्तों, ये दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भोपाल का कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है तरुण पिथौड़े। हाल ही में तरुण पिथौड़े को भोपाल का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, तरुण पिथौड़े 2009 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले ये राजगढ़, सीहोर, बैतूल के कलेक्टर रह चुके हैं। दोस्तों, ये लेखक और विचारक भी हैं और मोटिवेशनल किताबें भी लिख चुके हैं। तो तरुण पिथौड़े भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। दोस्तों, अब बात आई है भोपाल की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट भोपाल के बारे में बता दें। झीलों की राजधानी के नाम से भोपाल को जाना जाता है। 1956 में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई थी। दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 854 यह भोपाल जिले में ही स्थित है। राष्ट्रीय विधि अकेडमी 1994 में भोपाल में स्थापित की गई थी। ताजुल मस्जिद, जो देश की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह भोपाल में ही बनाई गई है। दोस्तों, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी यहीं पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भोपाल में ही लगाया गया है। बिड़ला संग्रहालय भी भोपाल में ही स्थित है। भारत भवन भी भोपाल में ही स्थित है। प्रदेश का पहला एनर्जी पार्क बनाया गया है भोपाल में। प्रदेश का पहला सेलरिक जैव खाद्य संयंत्र भी भोपाल में ही लगाया गया है। 2 और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिसके कारण भोपाल में हजारों मौतें हो गई थी। तो दोस्तों, इस गैस के और भोपाल के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्येंद्र सिंह कहाँ के कलेक्टर बनाए गए हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है सतना जिले के। हाल ही में सतना जिले के सत्येंद्र सिंह कलेक्टर बनाए गए हैं। दोस्तों, अब बात आई है सतना की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट सतना के बारे में बता दें। रीवा संभाग का एक जिला है सतना। चित्रकूट सतना जिले में ही स्थित है। दोस्तों, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी स्थित है और मंदाकिनी नदी के तट पर ही चित्रकूट स्थित है। भगवान श्री राम ने अपने वनवास का कुछ समय चित्रकूट में ही बिताया था। दोस्तों, मैहर जो माँ शारदा का मंदिर है और प्रचलित दार्शनिक स्थल है, यह सतना जिले में ही स्थित है। दोस्तों, सरकार द्वारा मैहर को पवित्र नगर घोषित किया गया है। अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी भी सतना जिले में ही स्थित है। रामनगर जो तुलसी संग्रहालय है, यह रामनगर में ही स्थित है। भरहूत अशोक स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंगहम ने की थी, जो भरहूत में है। नागौद, जहां पर गुप्तकालीन कचना कुठार है। दोस्तों, शिव पार्वती का मंदिर भी नागौद में स्थित है। मझगांव में हीरे की प्रचलित खदानें मौजूद हैं। मंदाकिनी, टोंस, सोन आदि सतना की प्रमुख नदियां हैं। तो दोस्तों, इतना आपको सतना के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विरासत महोत्सव में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है संजय साहू। हाल ही में संजय साहू को विरासत महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, विरासत महोत्सव के हाल ही में मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें सागर के आकाशवाणी कलाकार संजय साहू को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए टीम को 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, संजय सिंह हरबोला गायन में प्रसिद्ध स्थान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदेश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा कहां तैयार की जा रही है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इंदौर में। इंदौर में सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा निर्मित की जा रही है। दोस्तों, आपको इस हनुमान प्रतिमा के बारे में बता दें,
इसकी जो तैयारी है वह 11 करोड़ रुपए में की जा रही है। दोस्तों इस हनुमान प्रतिमा की ऊंचाई 66 फीट होगी। दोस्तों 108 टन वजन की यह प्रतिमा होगी। 9 टन की गदा और 3 टन की छतरी होगी इस प्रतिमा में। 108 बार लिखा गया है राम का नाम। तो इतना आपको इस प्रतिमा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाबू सहन जामोद को किस जिले का कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है दतिया का। हाल ही में बाबू सहन जामोद को दतिया जिले का कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों बात आई है दतिया की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दतिया के बारे में बता दें। ग्वालियर चंबल संभाग का एक जिला है दतिया। दोस्तों दतिया अपनी 7 मंजिला इमारतों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण वीर सिंह देव द्वारा 1614 में किया गया था। दोस्तों दतिया के किले पर न्याय का ताज अंकित है। सतखंडा महल, राजगढ़ महल भी दतिया में ही स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों अभी तक यह सबसे छोटा जिला था, लेकिन निमाड़ी होने के कारण अब यह सबसे छोटा जिला नहीं रहा है मध्य प्रदेश का। जिले की सिंध और पाहुज नदियां प्रवाहित होती हैं। भांडेर परियोजना जो माता टीला बांध पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य की संयुक्त परियोजना है, यह दतिया जिले में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें उन्नाव में पहुंच नदी पर बहुत प्रसिद्ध बालाजी मंदिर भी है। सोनगिरी जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है, यह भी दतिया जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में अपने तरह का तीसरा और सबसे बड़ा लाइट और साउंड शो का प्रदर्शन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में इस सबसे बड़े लाइट और साउंड शो का प्रदर्शन किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें वाटर स्क्रीन पर पौराणिक कथाओं का प्रदर्शन ओमकारेश्वर में किया जाएगा। दोस्तों इसकी शुरुआत हाल ही में अगले महीने से की जाएगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए जाने वाले इस शो में 20-20 मिनट का म्यूजिकल फाउंटेन और वाटर स्क्रीन की 3D शो दिखाए जाएंगे। तो आपको याद रखना है यह सबसे बड़ा लाइट और साउंड शो का प्रदर्शन ओमकारेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां मंगला देवी मेला लगाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भिंड में। भिंड में मंगला देवी का मेला लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में हाल ही में सजल अभियान का शुरुआत कहां हुई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है सागर जिले में। सागर जिले में सजल अभियान की शुरुआत की गई है। दोस्तों मैंने आपको सागर जिले के बारे में हाल ही में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस तैराक ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अद्वैत पागे। हाल ही में अद्वैत पागे ने, जो मध्य प्रदेश के एक तैराक हैं, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी की गाइडलाइन दर कितने प्रतिशत घटाई गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 20%। 20% गाइडलाइन दरें घटाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में निरर्थक और अप्रचलित कानून खत्म किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निरर्थक और अप्रचलित कानून खत्म किए जाएंगे। दोस्तों आपको कुछ कानून के नाम बता दें जो लगभग शायद खत्म किए जा सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो पहला है मध्य प्रदेश पोस्टल एक्ट 1928। सेकंड है मध्य प्रदेश एक्सरसाइज एक्ट 1915। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट 1884। टोबैको एंड एक्सरसाइज एक्ट मध्य भारत 1949। मध्य प्रदेश प्रोवेशन एंड ऑफिडेंस एक्ट 1936। मध्य प्रदेश कैटल डिसीज एक्ट 1934। और दोस्तों मध्य प्रदेश में चेचक के लिए भी कानून है, जिसे खत्म कर देना चाहिए। पूरी दुनिया ने चेचक के लिए कानून खत्म कर दिया है। तो दोस्तों ये कुछ अप्रचलित और निर्थक कानून खत्म किए जाएंगे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल चले हम शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है झाबुआ से। झाबुआ जिले से स्कूल चले हम कार्यक्रम का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है।
दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस स्कूल चले हम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसके बाद इन्होंने कन्या विवाह कार्यक्रम भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भोपाल में ईटीएफ पर कितने प्रतिशत की कमी की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 5 से 10%। 5 से 10% की कमी भोपाल में ईटीएफ पर की गई है। दोस्तों अभी एटीएफ क्या है आपको इसके बारे में बता दें, इसका फुल फॉर्म होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल। भोपाल में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कवायद के मद्देनजर राज्य सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ पर लगने वाले टैक्स घटाने जा रही है और इस टैक्स में 5 से 10% की कमी हाल ही में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सरकार पेयजल को लेकर कानून बनाएगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पेयजल को लेकर सरकार कानून बनाएगी। दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के पीएचई मंत्री सुखदेव पांसी ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपको बता दें पीएचई मंत्री ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके अनुसार 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है मध्य प्रदेश में। तो आपको इसके बारे में याद रखना है, सरकार पेयजल को लेकर कानून बनाएगी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में धार्मिक अफवाह फैलाने वालों को डॉजियर बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धार्मिक अफवाह फैलाने वालों को डॉजियर बनाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश में पहली बार धार्मिक अफवाह फैलाने वालों और भू माफियों को डॉजियर तैयार किया जा रहा है। संगठित अपराधियों की तरह उन पर भी अलग से रिकॉर्ड बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सागर का अपर कलेक्टर बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों संदीप जी आर। हाल ही में संदीप जी आर को सागर का अपर कलेक्टर बनाया गया है। दोस्तों आपको कुछ और स्क्रीन पर नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में बता दें तो हर्षिल पंचोली, इन्हें सीईओ जिला पंचायत टीकमगढ़ बनाया गया है। हिमांशु चंद्र, दोस्तों इन्हें हाल ही में जिला पंचायत सीईओ छतरपुर बनाया गया है। और बाला गुरु के इन्हें सीईओ जिला पंचायत पन्ना बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी दरें कब से कम की जाएंगी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 1 जुलाई यानी आज से मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी दरें कम की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली समारोह का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है भोपाल में। भोपाल में बुंदेली समारोह का आयोजन किया गया है। दोस्तों बुंदेली समारोह 2019 का आयोजन हाल ही में भोपाल में किया गया है। दोस्तों इस कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय बुंदेलखंड साहित्य और संस्कृति परिषद के तत्वावधान में किया गया है। यह आयोजन प्रसिद्ध कवि पद्मश्री से सम्मानित कैलाश मड़वैया के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भी आयोजित किया गया है। दोस्तों अब बुंदेलखंडी समारोह को बुंदेलखंड दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस वायुसेना के एयरपोर्ट को वॉर थिएटर में बदला गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर के एयरपोर्ट को वॉर थिएटर के रूप में बदला गया है। दोस्तों वायुसेना कारगिल युद्ध के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रही है। इसी को लेकर ग्वालियर में महाराजपुरा फोर्स एयरपोर्ट स्टेशन को वॉर थिएटर के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बैतूल का अपर कलेक्टर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है साकेत मालवीय। हाल ही में साकेत मालवीय को बैतूल का अपर कलेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस मंदिर के मार्ग पर 2.25 करोड़ रुपए का द्वार बनाया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है खजराना मंदिर इंदौर। खजराना मंदिर इंदौर के मार्ग पर 2.25 करोड़ रुपए का द्वार बनाया जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के खजराना गणेश मंदिर के मुख्य मार्ग पर 2.25 करोड़ रुपए का मार्ग बनाया जाएगा। इसकी डिजाइन को खजराना गणेश मंदिर समिति ने फाइनल कर दिया है।
दोस्तों, मंदिर के गर्भगृह के बाहर दर्शन व्यवस्था बदलने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ये द्वार बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था हमारा जून मंथ का करंट अफेयर। दोस्तों, जून मंथ का 2019 का करंट अफेयर में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे लिए गए हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों, इसके अलावा मध्य प्रदेश का डेली करंट अफेयर और कुछ अलग अलग डिफरेंट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं और हमारा डेली करंट अफेयर का एक वीडियो पर डे आता है जिसे आप देखना ना भूलें, जो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।